तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AJ क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल, बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हैं, मौका आपके लिए आ रहा है जो आपको यूपी सरकार दे रही है यूपी कांस्टेबल के रूप में। ठीक है, वो आपको दे रहा है 52,000 प्लस पोस्ट। अब इस पर बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्या है? अभी से, अच्छा पहली बात तो अभी प्रिपरेशन करी नहीं है, इनके दिमाग में एक चीज़ आ गया है, सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है? सेफ स्कोर अभी से आ गया, होना भी चाहिए मगर अभी बहुत जल्दी है। ठीक, फिर भी क्योंकि 3 बार का मेरा एक्सपीरियंस रहा है और प्रोडक्शन लगभग सही रही है, तो एक अंदाज़ा लगा के मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इतने के साथ यदि अपने स्कोर को लेकर चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, यूपी कांस्टेबल एक बड़ी वैकेंसी और हर बच्चे का रीज़न होता है कि भाई वो वर्दी पकड़े और पुलिस डिपार्टमेंट जाए, कुछ अच्छे काम करें, हैं ऐसे लोग सोचते हैं पर ऐसा होता नहीं। ठीक है, जनरली आप भी जानते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यूपी कांस्टेबल एक बेहतरीन वैकेंसी है जो इस साल आने की पूरी पूरी क्या है संभावना, बिकॉज ऑफ 2024 में क्या है भाई, चुनाव है, इलेक्शन है लोकसभा के, तो जाहिर जाहिर से बात है कि इस बार योगी साहब चाहेंगे कि ये वैकेंसी भर के थोड़ा सा और अपना पक्ष मजबूत करें। ठीक है, आपको पता है कि ये जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है और अमूमन इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और अब अप्रोक्स हर सब्जेक्ट का 37 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा आंकड़ा लगा लीजिएगा। बेस्ट स्कोर क्या रहेगा इसमें, ये समझिए क्या स्कोर रह सकता है। यदि मैं आंकड़ा उठाऊं 2018 का और 2019 का, तो मैं आपको बताऊं 2018 में जो मेरिट खींच रही थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। 2018 में जो जनरल मेरिट है जो मुझे याद है वो 210 प्लस थी। ठीक, ओबीसी लगभग 207 के आसपास थी और एससी लगभग मुझे याद है 187 प्लस के आसपास थी। ठीक है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद 200, हाँ 200 के आसपास होगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही कुछ मार्जिन रहा, मैं बहुत बड़ा मार्जिन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत बड़ा मार्जिन लेके चल रहा हूँ, ये 2018 की है जब वैकेंसी आई हाई थी। ठीक है, तो ये मान के चलो चलो 200 प्लस लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर एससी 180 और एसटी जो थी वो लगभग 165 के आसपास थी, और जाहिर सी बात है गर्ल्स की तो एक सिंगल मेरिट आती थी। जब 2019 आया और एग्ज़ाम हुआ तो ये मेरिट जो हुई ये घट गई, और ये मेरिट जो ओबी जनरल 210 चल रही थी वो आके चली गई 98 के आसपास, 98 और 200 के आसपास आ गई, कई मेरिट और बनी। ठीक, इसमें फिर ओबीसी आया तो ओबीसी में लगभग इसकी जो मेरिट खींच रही थी वो, मैं इनिशियल पहली मेरिट बता रहा हूँ, ठीक है फाइनल मेरिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल जब फिजिकल के लिए बुलाते हैं तो वो लगभग 75 से लेकर 180 के बीच में थी। और जो एसटी एससी के लिए यदि मैं बात करूं तो एससी के लिए लगभग 150 से 165 के बीच में चली थी। अरे ये तो बहुत लंबा हो गया, 150 से 160 के बीच में थी, मतलब 150 पे 154 155 के आसपास बन रही थी। एसटी और भी कम थी, एसटी लगभग 140 प्लस के आसपास चल रही थी। ठीक, तो आप मान के चलिए, थोड़ा मैं बस एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ, ये रफली है, एक्यूरेट नहीं है मगर लगभग यही है। तो आप देखेंगे 2018 से 2019 में आप गए तो कंपटीशन बढ़ा कि घटा, ऐसे देखेंगे तो कंपटीशन बढ़ा है पर नंबर वाइज कंपटीशन क्या है डिक्रीज हुआ है, 10 नंबर के आसपास क्या हुआ फर्क पड़ा है। यहाँ से भी वही हाल हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ, और कहीं कहीं 10 10 15 15 नंबर का मार्जिन आया। तो 2024 या फिर 2023 में क्या ये आंकड़ा रिपीट होगा या घटेगा कि बढ़ेगा, अब यहाँ पर ये संशय, और इसीलिए बच्चे परेशान हैं। मैं आपको लिटरली बताऊँ, लोग कितनी ही क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, कितनी ही तैयारी क्यों ना कर रहे, लोग कर रहे कंपटीशन बहुत बड़ा, तैयारी बहुत कर रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हर बार बच्चा वही है, वही नॉर्मल पढ़ता है, वही वही उसकी प्रिपरेशन है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो भर्ती बोर्ड कोई झक मार के नहीं बैठा हुआ, वो भी अपनी मेहनत पे उस हिसाब से पेपर को डाइवर्ट करके बना दिया। क्या हो सकता है सेफ स्कोर, मैं आपको बताऊं, यदि जनरल आप हैं, 2023 की बात कर रहा हूँ, यदि आप जनरल हैं
और यदि आपने 210 प्लस अभी कर दिया तो आपको कोई इस वर्दी को लेने से रोक नहीं सकता, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ ओबीसी पे, और ये एकदम सही एक्यूरेट है, इससे ऊपर नहीं। ओबीसी यदि वो 195 कर देता है प्रेजेंट टाइम, ये मैक्सिमम है मैक्सिमम। एससी पे यदि आप 180 185 प्लस कर देते हो जाएगा आपका। एसटी यदि आप 160 और 165 के आसपास भी हो आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे हो जाएगा। और पेपर हमेशा टफ बनता, हल्का नहीं है। तो यदि आप इतनी प्रिपरेशन लेके चलो, ये टारगेट। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं सर मेरा स्कोर 210 आ रहा है, मेरा 220 आ रहा है, तो वो बेटा डिपेंड करता है एसटी पे। क्या किस पे डिपेंड करता है? एसटी। यदि आप अच्छी एसटी लगा रहे हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये आपको बेहतर पता है, और उसमें यदि आपका 210 220 आ रहा, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया स्कोर हो नहीं सकता आपको। फिर इस समय क्या करना चाहिए, मैं आपको कहूंगा इस समय आपको फिर जीएस पे और अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी होगी वहां पे, और रीजनिंग आपकी अच्छी होगी, और हिंदी अच्छी होगी। यदि कहीं गड़बड़ हो सकता है तो वो जीएस आपका गड़बड़ा सकता है, और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, चांसेस ना के बराबर है। इस समय ये सेफ स्कोर रहेगा, इसको ध्यान में रख करके आप प्रिपरेशन करेंगे। बाकी जैसे ही पेपर हो जाएगा एक नई मेरिट बना दूंगा, परेशान ना होइएगा, बहुत अंदाजा है। एसआई में भी हमने खूब काम किया, और कांस्टेबल में भी हमने खूब काम किया, एसएससी जीडी में भी खूब काम किया, तो ऐसा है अंदाजा है कि क्या मेरिट हो सकती है, कितनी मेरिट हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हमने एसएससी जीडी नहीं दिया या हमने यूपी कांस्टेबल नहीं दिया, दिए हैं एकदम। एसएससी जीडी में मैं आपको बताऊं, जब मैंने एसएससी जीडी दिया था, शायद पहला या दूसरा एग्जाम था, ठीक है, तब मेरा 100 का कट ऑफ बनता था, 100 मार्क्स का होता था, तब मेरे 100 में 86 आए थे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था नहीं बिल्कुल भी। मेरा एक टारगेट होता है कि मैं एक ग्रेड पे पर ही जाना चाहता हूँ, ठीक है, तब मैंने एसएससी जीडी में इतना स्कोर किया था। तो कांस्टेबल हुआ, जितनी भी ग्रेड डी पे जो वैकेंसी आती है, उनका पेपर बड़ा इजीली क्रैक किया जा सकता है। बस क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो आप पेपर को आसानी से क्रैक कर लेंगे, और यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो उलझे रहेंगे हमेशा सिलेबस में। कभी भी आपको 300 में आप 160 190 में ही नाचते रहो, कभी कभी एसटी बहुत सरल हो जाएगी तो आप हीरो बन जाओगे। पर यदि आप ठोस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेसिक अच्छे से करो, मैथ रीजनिंग अच्छे से करो, हिंदी जीएस अच्छे से करो, कि ऐसा कर लो कि तुम्हारे इससे नंबर कम तो आए ना, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे आज के टाइम पे। ये आपका सेफ स्कोर है, आप इसको मद्देनजर रख करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, और ट्राई करें कि 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लें। सिलेबस के लिए आप परेशान ना हो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, यहाँ पर जल्द ही वीडियो आने लगेंगे और आपकी प्रिपरेशन को फुल फ्लेज में तैयारी करवा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।